शिवाय। नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम भरतनाट्यम के तीसरे क्रम अर्थात तट्टरू के सातवें तट्टरू की शिक्षा ग्रहण करेंगे, किंतु यह सातवां तट्टरू अन्य सीखे गए अड़वों से थोड़ा भिन्न है, जिसमें ताल के पहले तीन पदघातों को दाएं पांव पर किया जाता है और चौथे पदघात को बाएं पांव पर किया जाता है और अन्य बचे तीन पदघातों को दाएं पांव पर किया जाता है। क्योंकि आप बोलों के साथ अभी समझ नहीं पाएंगे, तो मैं आपको इसे गिनती के रूप में समझा कर बता रही हूं। तो चलिए बच्चों, सेवेंथ तट्टरू इन फर्स्ट स्पीड, सेवेंथ तट्टरू इन फर्स्ट स्पीड, सेवन टाइम। बलंगु तक तिकु तक तद्गिण तुम ते 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 तम ते ते बच्चों, सेवेंथ तट्टरू को हम पहले काउंट्स के साथ समझेंगे। चलिए, बच्चों आज की कक्षा समाप्त करने से पूर्व हम एक नया व्यायाम करना भी सीखेंगे। जैसा कि आप पहली कक्षा में दो व्यायाम सीख चुके हैं, आज जो हम नया एक व्यायाम सीखने जा रहे हैं उसे कहा जाता है हील एंड टो। तो चलिए बच्चों, इस नए व्यायाम को करना सीखते हैं। इसमें टू काउंट्स हैं, वन एंड टू। आरामंडी अर्थात हाफ सिटिंग में बैठकर दोनों हाथों को सामने से पकड़कर रखें। काउंट वन पर अपने राइट पांव के टो पर आइए और काउंट टू पर अपनी राइट पांव की उठी हुई हील को भूमि पर मारना है। इसी प्रकार इसे बाएं पांव पर भी दोहराएं। वन पर अपने टो पर आए और टू पर उठी हुई एड़ी को भूमि पर मारना है। चलिए बच्चों, अब इस व्यायाम को तालम के साथ करते हैं।
बच्चों, आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी नित्य प्रति इसका अभ्यास करेंगे और ये नहीं भूलेंगे कि नृत्य को प्रारंभ करने से पहले और उसको समाप्त करने के बाद भूमि प्रणाम अवश्य करें। नमस्कार बच्चों, और आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।